हाय स्टूडेंट, ये वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिबा फिजिकल साइंस जोटा कि 5 नवंबर बैच 2020 आम ऑलरेडी 31 40 जाए आंसर देख सारी आई वीडियो 41 50% देखा। ठीक अच्छे, देखो फास्ट क्वेश्चन देती ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए ग्राविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। तो गोटे चार्ज पार्टिकल जो ग्राविटी फ्री स्पेस अच्छी से कहूँ विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, तो सब सी जो वेलोसिटी मूव करती से ही वेलोसिटी को मेंटेन करुच्छे, मीनस आम ये कहीपर तार स्पीड भी मैग्नीट्यूड के चेंज होना से गोटे कन्स्टांट स्पीड वेलोसिटी मेंटेन करुच्छे। तो केते बेले पॉसिबल किसी ऑप्शन दे कौन कौन पॉसिबल केस पार प्रथम जाना दरकार जी कन्सेप्ट क्वेश्चन आसो कौटी। देख गोटे चार्ज पार्टिकल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भितर छाड़ दि जाए तापर किसी फोर्स लगे एफ इक्वल टू क्यू मैग्नेटिज्म भिड़े भी कही जदि से ही चार्ज पार्टिकल को तुम मैग्नेटिक फील्ड भितर छाड़ दौर फोर्स लगे एफ इक्वल टू क्यू भि बी साइन थीटा। ठीक अच्छे, क्यू भि बी साइन थीटा, भि हूँ वेलोसिटी, ये देखा पड़ो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी डायरेक्शन कौन अच्छी जो मैंने से भिड देखी ना देखिपार लॉरेंज फोर्स कहीपर एटा दुटा फोर्स मिसेक लॉरेंज फोर्स भी कहीपारे। तो ये क्यू भि बी साइन थीटा, भी है वेलोसिटी, भी हूँ मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा एंगल पर डिपेंड करता से एंगल हूँ क्या भितर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। इनकेस जदि थीटा जीरो डिग्री होगा केतबाद जदि मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में अच्छी जो तुम चार्ज से पार्ट से डायरेक्शन में मूव कला थीटा जीरो डिग्री होगा फोर्स जीरो हो पॉसिबल केस आसपे जदि 90 डिग्री है मैक्सिमम होता आज जो एंगल पर तो फोर्स किसी ना कि आसो। तो स्टार्ट कर डिस्कशन ये कन्सेप्ट आसी फास्ट ऑप्शन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड जीरो जस्ट चिंता करो जदि चार्ज पार्टिकल को तुम छाड़ो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना कि मैग्नेटिक फील्ड ना वेलोसिटी ये कन्स्टेंट रही कारण मेंटेन कर फ्री स्पेस क्या कही ग्राविटी फ्री स्पेस सी अच्छी हाँ ये से वेलोसिटी से मेंटेन कर जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल जा अंडर ग्राविटी से मूव करेंगे कन्स्टांट वेलोसिटी से मूव करेंगे से नो फोर्स एवं इलेक्ट्रिक फोल्ड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नापर केवल ग्राविटी जो से मूव कले से कन्स्टांट वेलोसिटी मेंटेन कर। तो एक केस पारे बुझे सेकेंड ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखो सेकेंड केस कौन अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। तो प्रथम कथा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अच्छी फोर्स इक्वल टू क्यू ई तो ये जीरो मीन्स फोर्स जीरो अर्थात चार्ज पर किसी भी फोर्स लगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर से जो वेलोसिटी मूव करता से वेलोसिटी मूव कर एक एस भी हो पार कि सहित एक्सट्रा अच्छे बी नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो अर्थ कौन तेज़े मैग्नेटिक फील्ड एक्जिस्ट करुँच। ठीक अच्छे, मैग्नेटिक फील्ड एक्जिस्ट कर जो चार्ज अच्छे ये जब फोर्स लगला सिंपल कथा जी फोर्स लगला तार वेलोसिटी चेंज हो हाँ ये गोटे एमती केस हो पाए जो फोर्स लगिले भी तार मैग्नेटिक फील्ड माने तार सॉरी तार फोर्स लगिले तार डायरेक्शन चेंज हेनी सीटा केमती हे जदि मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन अच्छी जदि चार्ज से डायरेक्शन में मूव करा स्टार्ट कर ए डायरेक्शन एलंग दि डायरेक्शन गले थीटा जीरो डिग्री हो थीटा जीरो डिग्री के फोर्स जीरो हो बुझे ये मैं फोर्स आ लगे ही ना मैग्नेटिक फील्ड एक्जिस्ट करुच्छे चार्ज जाऊँच किंतु हेले भी फोर्स लगे नहीं कारण से एलोंग दि डायरेक्शन जा सेम डायरेक्शन हो रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यही केस भी हो पाए जे आम ये यह कनसीडर करा सेकेंड केसटा को जे मैग्नेटिक फील्ड तो एक्जिस्ट करुच्छे किंतु चार्ज मूव करुच्छे मैग्नेटिक फील्ड एलोंग रे तो यही केस भी पॉसिबल हो पाए जो तार वेलोसिटी चेंजेस आसवे प्रथम केस पॉसिबल है। तो मन आस कहीं धरवा कि थीटा भितर जीरो डिग्री बोले क्वेश्चन पॉसिबल केस कही तो ये केसटा कौन हो पारे हो पारना बाकी रहा थर्ड ऑप्शन। देखो थर्ड ऑप्शन कही इ नॉट इक्वल टू जीरो देखो पिले जदि इ नॉट इक्वल टू जीरो माने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नुहे ताल देखो एफ इक्वल टू क्यू तो ये फोर्स लगे ही लगे आ फोर्स लगे वेलोसिटी चेंज हे तो ये ऑप्शन ये कट है बुझे जेहतु इ नॉट इक्वल टू जीरो अच्छी अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नुहे तो फोर्स लगे कारण फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज तो सामान थी तो ये फोर्स लगे तो ये केसटा कन्सो करना ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगे बाकी लास्ट केस इ नॉट इक्वल टू जीरो आम तो देखिले इलेक्ट्रिक फील्ड जदि जीरो नुहे फोर्स लगे आ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ना अच्छा जदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना मुझे जीरो डिग्री रे जदि मानते जदि थीटा जीरो डिग्री होता के
जदि मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन रे आ वेलोसिटी से डायरेक्शन रे तले जीरो होतला जदि परपेंडिकुलर हला मैक्सिमम होतला तो थीटा तो किछि वैल्यू नै पारे ना 0 1 2 3 4 5 अप टू 90 डिग्री पर जाई परबो बुझु जी बा मैक्सिमम तो -180 भी सॉरी 180 बोल नै परबो तनो एमिति गोटे केस आसीबो जोंठी एठारे जो प्रथम केस जोटा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फोर्स एति क्रिएट होती मैग्नेटिक फील्ड को एमती भी सेटअप करहब ताकि सेम सेम फोर्स आसो कि अपोजिट डायरेक्शन आसो जहाँ फल कौन हम ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर कैनसल होटी की नेट फोर्स जीरो जोटे आम कहीपर चार्ज पार्टिकल्र भेलोसीटर चेंजेस आसो ना तेणु ए केस को भी कनसीडर करनिटा केस बुझा ट्राए कर ठीक अच्छे एवं बुझेगा कि ना तो ये केस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना अर्थात फोर्स लगे और मैग्नेटिक फील्ड भी एमती गोटे फोर्स लगे ताकि सी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैनसल करथबो ताले डी कौन कौन ऑप्शन पॉसिबल हो पारे ऑप्शन ए माने आई हो पारे सेकेंड आई हो पारे आई भी हो पारे तो राइट आंसर डी ही मारे आम ओनली आई टू आई आई भी एति कनसेप्ट प्ले एटी पॉसिबल केस पचारि सेथे मु करजी बाबू समस्त बुझिपार सर्टली आउ थे कौन ऑप्शन आई पाई कौन दीटा को जीरो अच्छे किसी फोर्स लगे सेकेंड रे इलेक्ट्रिक फील्ड लागिवो नाही अब मैग्नेटिक फील्ड लागिवो मैग्नेट सॉरी सेकेंड ऑप्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अच्छे तो फोर्स लागिवो नै मैग्नेटिक फील्ड अच्छे फोर्स लागिवा कथा किंतु आम एया कंसीडर करले एटी की जे फोर्स लागिवो नै एथि पई कि चार्ज पार्टिकल रो मोमेंट जो डायरेक्शन रे हमरो मैग्नेटिक फील्ड भी से डायरेक्शन रे सेथि पई थर्ड केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो हां एठी इलेक्ट्रिक फील्ड जेहतु जीरो होना तेणु फोर्स लागिबो कौन फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो अच्छी तो गोटे ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स आ फोर्स लगेगा मानते वेलोसिटी चेंजेस आसो डायरेक्शन चेंज हो सब किसी बाकी आसा लास्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नुहे अर्थात तापर फोर्स लगेगा डायरेक्शन चेंज होगा कथा कितु मैग्नेटिक फोर्स आम यह भाई भाव ये ऑप्शन एमती रो फोर्स लगे तार अपोजिट डायरेक्शन लगे जहाँ कैनसल कर नेट फोर्स जीरो रोर वेलोसिटी चेंजेस आसो ना विदाउट चेंज इन वेलोसिटी से मूव कर बुझी एति रफली कह गले आंसर हो ये ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन ए सबमरीन इज फिटेड विथ ए सोनार सिस्टम व्हिच ऑपरेट्स एट एन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ 42 किलोहर्ट्ज ठीक अच्छे क्वेश्चन विजिबल हो 42 किलोहर्ट्ज देजी एन एनिमी सबमरीन इज मूविंग टुवर्ड्स द सोनार विथ ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1400 मीटर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बैक एट द सोनार फिटेड सबमरीन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एनिमी सबमरीन इज बहुत बड़ा क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट रो मु शॉर्टली डॉपलर इफेक्ट कौन कह मोर दुईटा वीडियो आसवर अच्छे साउंड वेव रो गोटे हूँ बीट्स आउ ऑर्गन पाइप जो थे नोट आंटी नोट क्या देखा से वीडियो फोर हम कल आसो नेक्स्ट डे वीडियो फाइव आसो डॉपलर इफेक्ट से डॉपलर इफेक्ट मु पूरा पूरी भल कि बुझेबी आउ बीट्स आउ डॉपलर इफेक्ट मुझे पाखापाखी 20 पाखापी न्यूमेरिकल एमसीक्यू करी ताकि जेकोसी क्वेश्चन आसे तुम कर मानना कि तुम एवं जहाँ बुझे बुझीपर आराम से बुझीपार ठीक अच्छे देख आम डॉपलर इफेक्ट बुझा ए क्वेश्चन फास्ट बुझा मुझे डॉपलर इफेक्ट टे कहीदेगी फिर डॉपलर इफेक्ट सिंपली गोटे कथ कह देख जदि ये तुम माइक रखीच है माइक रेस्ट अच्छी ये गोटे ऑब्जर्वर अच्छी ऑब्जर्वर किए बा लिसनर जे शुणी से साउंड को शुणी है तुम्हें अच मो अच्छे किए भी जड़े ठीक अच्छे एक्स वाई जेड कहीं भी अच्छे तो ये शुणी ठीक अच्छे तो जो ये भी रेस्ट अच्छे ये भी रेस्ट अच्छे फास्ट केस शुण ये साउंड प्रड्यूस होनेकर ये मनकर गोटे सेकेंड रे है 50 हर्ज बा 50टा वेव जा साउंड मूव कर कौन एमती 50टा वेव जाइए गोटे सेकेंड में तार फ्रीक्वेन्सी जो साउंड प्रड्यूस हो सोर्स पाखर जो साउंड जा रहा फ्रीक्वेन्सी 50 हर्ज तो ये लिसनर बा ऑब्जर्वर जी शुण जी तक शुण लिसनर एक्चुअली कह जी शुणु सी के शुण सी भी रेस्ट अच्छी तो पाखे 50टा ही वेव जी बुझे तो ये जो फ्रिक्वेन्सी साउंड जाता है से फ्रिक्वेन्सी साउंड शुण यहाँ फास्ट केस है कि सेकेंड केस होदि माइक रे पुणी 50 हर्ज रो फ्रीक्वेंसी रही जो साउंड प्रोड्यूस है ठीक अच्छे आठ जी ऑब्जर्वर थिला
सीएटी कौन कर मुव करुच्च क्या आड़ को सी साउंड माइक जुआटे आसूस सी सियाड़ मुव कर भि भैल सीटे मुव कर मन कर चिंता कर ये अब्जर्वर मुव कर अब्जर्वर मुव कर भि ओ लिखीदी अब्जर्वर मुव कर तुम्हें कह जो सी पाखु आसो कौन लगे तार माइक साउंड बढ़ीगला भाई लगे कि ना एक्चुअल बढ़ी न थाए कि जेहतु सी क्लोज हो लगे तार माने जो जो साउंड से शुणी तार फ्रिक्वेन्सी बढ़ी जाए लाउडनेस बढ़ी जाए कहे तुम अधिक जोर सुविधा भाई लगे जोर लगे तुमको तो यार अर्थ कौन लाउडनेस बढ़ जा अर्थ हो फ्रिक्वेन्सी बढ़ीगला भाया लगे आ जो फ्रिक्वेन्सी बढ़ीगला भाया लगे आम आपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कौन एक्चुअल नुहे से एक्चुआल तो 50 हर्ज बढ़ीगला भाया लगे ताको आम एफ ओ कहीपर जोटा कि अब्जर्वर शुणु कि एफ प्राइम भी आम नोटेट कर तो निश्चित भाव में ये जो फ्रिक्वेन्सी शुणु लगुत ग्रेटर देन 50 षाठी सतुरी अशी ताको जहाँ भी लगे हूँ आपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कहीं अब्जर्वर से माइक आड़क आसूसी अब्जर्वर इज मूविंग टुवार्ड्स दि सोर्स ये माइक रु बाहर मैंने सोर्स प्रोड्यूस कर ठीक अच्छे थर्ड केस कौन करवा देख थर्ड केस अब्जर्वर ये सैड को मुव कर भि भेल सीट मुव कर भि ओ सी अर्थात माइक जो थी अब्जर्वर ताठ दूरे जा तो दूरे गल कौन लगे से साउंड लाउडनेस कमी जीवो तो साउंड लाउडनेस कमी मैंने तार पिच कमी जीवा बा तार कौन ना फ्रिक्वेन्सी कमीगला अर्थात जो 50 हर्ज जो साउंड प्रोड्यूस होता है पाखु पहुँचला लगुत कमी जाए लेस देन 50 तो यही किसी इफेक्ट कहुए जाए डॉपलर इफेक्ट जो फ्रिक्वेन्सी सोर्स जहाँ थाए अब्जर्वर शुणा बेलू किसी चेंजेस आसी थाए क्लियर आ गोटे केस भी अच्छे जो मानने ये माइक बाजुच ये भी मुव करब्जर्वर हुए तो तार आसो ना अब्जर्वर तार दूर को जाऊ कंप्लीट सॉल्यूशन बा कंप्लीट वीडियो मुझे आनबी आराम समस्त बुझे क्वेश्चन निहाती प्रत्येक वर्ष साउंड डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन पढ़ूँ ए पढ़ तो देखा कि आम क्वेश्चन फास्ट अभी बुझा क्वेश्चन को बुझे देखिए देख सी ए सबमरीन इज फिटेड विथ सोनार गोटे सबमरीन जहाज अच्छी जोटी सोनार फिक्स कराई व्हिच ऑपरेट्स एट एन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ 42 किलोहर्ट्ज जार से सोनार जो फिट कराई तार फ्रीक्वेंसी 42 किलोहर्ट्ज बुझे अर्थात सोनार सब 42 किलोहर्ट्ज साउंड फ्रीक्वेंसी सब रेडिएट कर एन एनिमी सबमरीन मैंने आ गए सबमरीन अच्छी जो शत्रु सबमरीन से कहूँ इज मूविंग टुवार्ड्स दि सोनार भल लक्ष्य कर माने सेपट सबमरीनटा कौन होमर सोनार जो फिट है से सबमरीन आड़ को मुव करुच्ची विथ ए स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड इफ द स्पीड अफ दि साउंड इन सी व्वाटर इज 1400 मीटर जदि साउंड स्पीड 1400 मीटर थाए पर सेकेंड सी व्वाटर द फ्रिक्वेन्सी अफ साउंड रिसीव्ड बैक एट दि सोनार फिटेड सबमरीन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रम दि एनिमी ए लाइनटा मुझे बुझेबी तुमको गोटे ही पॉइंट देख यह आस मागे आमको ये अच्छे आमर सोनार फिक्स होता सबमरीन ये गोटे सबमरीन अच्छे से एनिमी सबमरीन से कहूँ ये मुव कर 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्वेश्चन कौन मागे जाके बुझ तापर सल्यूशन बुझ ये जो सोनार फिक्स होती ये तो 42 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी रेडिएट करुँच ये एनिमी सबमरीन ताड़क मुव करुच्चे क्वेश्चन आमको पचारि एठू जो 42 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी गला ये सबमरीन देह बाड़े थी अगेन रिफ्लेक्टेड बैक हो सारापर ये फ्रिक्वेन्सी के 42 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी सी प्रड्यूस कर तो फास्ट जीव देख ये दुई थर लगे डॉपलर इफेक्ट दुई थर फास्ट एठिक गला एठ बाढ़ एठिक आसला तो ये 42 बेले आपको किसी लगे निहाती बढ़ी थी पुणी एठू एटी आसला पुणी बढ़ी थी तो से बढ़ी जाइए फ्रिक्वेन्सीटा के बुझे यही हूँ क्वेश्चन पचार देख क्वेश्चन से फ्रिक्वेन्सी ऑफ साउंड रिसीव्ड बैक एट दि सोनार फिटेड विथ सबमरीन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दि एनिमी सबमरीन आउ जब क्वेश्चन बुझ सॉल्यूशन में ओरिड होनी सॉल्यूशन आराम से बुझा समस्त को देख ये ठीक अच्छे ये भल कि लक्ष्य कर फास्ट केस टाइम लगे कि बुझापी आराम से इजी मुझे खाली यह गोटे कथा कहि जो फर्मुला मुझे लिखी से ठीक बोली मानि जो भिडियो करी से तो तुम जानव जो फर्मुला केमती आसा फर्मुला क्या मेमोरीज करा दरकार नहीं इजिली समस्त आसो मस्त ठीक अच्छे हो देख प्रथम केस सोनार ये अच्छी 42 किलो हर्ज ठीक अच्छे सोनार अच्छी 42 किलो हर्ज तार फ्रिक्वेन्सी आ
जो एनिमी सबमरीन अच्छी सी भिओ स्पीड रे आसुची जोड़ा को 200 क्वेश्चन की भाई जी देख इले शुण एबे सोनार 42 किलो हर्ज रो फ्रीक्वेंसी रेडिएट करथबो तो ये हि जीवो सोर्स ये रेस्ट रे अच्छी ये मूव कर नाही एनिमी सबमरीन ताड़ को आसुची तो ये जो 42 किलो हर्ज टा प्रथम या पाखु गला बेलू कौन हो निहाति बढ़ी थी कारण ये ताड़ को आसुची मुझे कही तो ये ऑब्जर्वर इन मोशन सोर्स एट रेस्ट बुझेगा ऑब्जर्वर इन मोशन आउ सोर्स एट रेस्ट देख ये हमको ये सोर्स नोटेशन यूज करी भी एस ता फ्रीक्वेंसी एफ एस ऑब्जर्वर पाखर जे वेलोसिटी ता वीओ ता पाखर जे फ्रीक्वेंसी तुम्हें जोड़ा शुणब से आम एफओ कह वीओ एफओ क्लियर ए एफ ओटा हूँ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी माने ऑब्जर्वर जो शुणे से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहीदेवे तो देख से कौन है ये 42 किलो हर्ज गला ये वीओ स्पीड आसूसी फॉर्मूला भी लिखी देखिए देख फॉर्मूला हूँ वी प्लस वीओ बाय वी माइनस वीएस इनटू एफएस वी हूँ कौन पिले वी हूँ स्पीड ऑफ साउंड एटा के चेंज हम ना सी वाटर पर मेनसन हो क्वेश्चन 1400 ये के चेंज हम ना बाकी रहा वीओ माने ऑब्जर्वर रो वेलोसिटी के दे जे हम क्वेश्चन 200 दे छी अच्छा तापर है ना वी पुनी वी रे 1400 पुट करबो वीएस पिले कोन वीएस होजी सोर्स सोर्स रो स्पीड सोर्स एटी मोशन करू छी कि नाही सोर्स तो रेस्ट रे छी तो वीएस तो 0 हि जीवो तो 0 पुट करबो तुम पिले कोन आसी देखो आंसर समाधान कला परे तुमको एटी किछ मिलि छी एटी 42 पुट करबो एफएस जगह रे कहना एटा होजी एफ एस उच्च कौन ना सोर्स टू फ्रिक्वेन्सी 42 किलो जी देता सोनार पर तो आपको सल्व कलापुर तुम एनसर पाइब देख के आंसर 48 किलो हर्ज बिल आती बढ़े कही कहीं ऑब्जर्वर मूव करुच्छी तो 48 किलो हर्ज एगला फ्रिक्वेन्सी क्या पाखे देख एनिमी को लगुच यहाँ 48 किलो हर्ज या पाखर फ्रिक्वेन्सी एवं कौन हम ए फ्रिक्वेन्सी पुणी रिफ्लेक्ट हम या पाक आसो तो यू 48 किलो हर्ज ये एबे रेडिएट करिवो तो चेंज हो जिवो कि नहीं राइट साइड टा ऑब्जर्वर थिला ये एबे हो जिवो सोर्स लेफ्ट साइड टा थिला सोर्स ये एबे हो जिवो ऑब्जर्वर रिवर्स लागी बाउथरे कोनो हमर होची डॉपलर इफेक्ट हला देखो सेकंड केस पूरा क्लियर कर दे जे एठी देखो एबे ये हे गला सोर्स कारण एठू जिवो केते को फ्रीक्वेंसी जिवो 48 किलो हर्ज रो फ्रीक्वेंसी एबे जिवो बुझियो जी ये हूँ सोर्स 48 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी शुणब किए ऑब्जर्व कर किए जोड़ा सोनार फिक्स है यहाँ आम पचार बुझे तो सेम वी 1400 अच्छी वी एस आईटी कौन है देखो ये सोर्स निजे मूव करुच्छी क्या आड़ ऑब्जर्वर आड़ मैंने तुम्हें ढाई माइक साउंडटा जो मैंने माइक जोटा इन्स्ट्रुमेंटा तुम आड़ आस चिंता कर ये केसटा यहाँ बुझे तो ये कौन है बस सब डाटा लगे सेम फॉर्मूला लगे वी प्लस वीओ किंतु यही केस रे ऑब्जर्वर रो वेलोसिटी शून्य हो गला तो 1400 प्लस 0 से तले 0 होता 1400 प्लस 0 तले 1400 माइनस 0 समाधान कली आउ इंटरेस्टिंग कथा ये एफ एस जगह कौन पकेबो 42 पकेबोनी 48 आसला 42 पकेब सॉल्व कर 56 आसी सॉल्यूशन पर कर दे बुझे बाबूजी एवं समस्त बुझा पड़ी दुईटा दुई थर लगे डॉक्टर इफेक्ट तो राइट आंसर ये आसी देख 56 ये भी समाधान करवल तो ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर मुझे क्वेश्चन बुझेली कनसेप्ट बुझेली फिर भी जब रही किसी डाउट किसी असुविधा ना डॉक्टर रिपोर्ट को अपेक्षा कर ठीक अच्छे कनसेप्चुअल जिनस टी नेक्स्ट 43 ए स्टील वायर ऑफ लेंथ एल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड देन ए मास एम इज हंग फ्रॉम इट्स फ्री एंड दो वेयर इज कूल डाउन फ्रॉम 40 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ द कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इज 10^-5 डिग्री सेंटीग्रेड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील देसी रेडियस ऑफ वेयर देसी आ कहूँ कि वैल्यू ऑफ मास केते हो ठीक अच्छे शुण बुझा ये क्वेश्चन मुझे कह क्वेश्चन तो बुझे थो क्वेश्चन गोटे स्टील वेयर टे अच्छी तार लेंथ 40 डिग्री लेंथ एल के 40 डिग्री सेंटीग्रेड बेले गोटे किसी हाइट टू छुरे दिखाई तार मास एम लगे फ्री एंड रू आयारटा को टेम्परेचर कम कर दिया 40 डिग्री था 30 डिग्री कर दिया आउ कोएफिशिएंट लिनियर थर्मल एक्सपेंशन दे यंग्स मॉडुलस दे आगे तुम किसी कथ बुझे देख जो यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला हो
ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହୁଛେ, ମାନେ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ ତଳେ ହେଇଯିବ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ବାଇ ଓରିଜିନାଲ ଲେନ୍ଥ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଥର୍ମାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ ନେବି ହେବ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା କି ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ଟି, ଆଲଫା ଡେଲ୍ ଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଟି ଲେଖିକି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାଲ ଲେନ୍ଥ ଇନିସିଆଲ ଲେନ୍ଥ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥିଲା ଇନିସିଆଲ ଲେନ୍ଥ ଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ଉଛ ବା କମାଉଛ ପୁଣି ଫାଇନାଲ ଲେନ୍ଥ କିଛି ଆସିଥିବ। ତ ଏଇଠି ମୋତେ କୁହ, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତୁମେ ପାଇଥିଲ, ଏଲ୍ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍ ଏଲ୍ ଆଇଟା କ'ଣ? ଫାଇନାଲ ଲେନ୍ଥ ମାଇନସ୍ ଇନିସିଆଲ ଲେନ୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ। ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଆସିଛି ଦେଖ, ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ ପୁରାପୁରି କରିଛି, କମନ୍ ନେଇଛି, ୱାନ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ଏତିକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ? ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ବାଇ ଓରିଜିନାଲ ଲେନ୍ଥ। ତ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ହେଲା ଏଲ୍ ଆଇ ବାଇ ଆଲଫା ଟି, ହେଲା ଏଲ୍ ଆଇ ବାଇ ଆଲଫା ଟି। ଓରିଜିନାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଥିଲା ଇନିସିଆଲି? ଏଲ୍ ଆଇ। ତ ଏଲ୍ ଆଇ ଲାଇ କନ୍ସିଲେ କେତେ ଆସିବ? ଆଲଫା ଟି ବା ଆଲଫା ଡେଲ୍ ଟି କହିପାରିବ। ଆଲଫା ହେଉଛି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଥର୍ମାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ଡେଲ୍ ଟି ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଦେଖ, ତ ଏବେ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିଦେବ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଡେଲ୍ ଏଲ୍ ବାଇ ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିପାରିବି ଆଲଫା ଟି ବା ଆଲଫା ଡେଲ୍ ଟି, ବୁଝି ହେଉଛି ଏଇଟା? ତ ଦେଖ, ତ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ ଥିଲା, ଥାଉ ଏଇ ଡେଲ୍ ଏଲ୍ ବାଇ ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲି ଡେଲ୍ ଟି ଏକାଥରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସରି ଆଲଫା ଟି ଲେଖିଦେଲି ଏକାଥରେ ଆଲଫା ଟି। ତ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମାଧାନ କଲି, ଏଠି ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିଯିବ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ ଆଲଫା ଟି, ଦେନ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ ଆଲଫା ଟି, ଆଉ ଦେନ୍ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଏ ଆଲଫା ଟି, ସବୁ ଯାଇକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ସେଇଭଳିଆ କିଛି। ତ ଏଫ୍ଟା କେତେ? ତାକୁ ଝୁଲା ହେଇଛି ନା, ଗ୍ରାଭିଟି ତରଫକୁ ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଥିବ, ଜି ଏମ୍ ଜି, ଏମ୍ ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଏ ଆଲଫା ଟି। ତ ଏମ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏତିକି ଆସିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲି ବୁଝିବାରେ, ବୁଝେଇଦେଲି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଛି ଆଲଫା ଟି ସହିତ। ଏ ତୁମେ ଏଇଠି ଟି ଜାଗାରେ ଡେଲ୍ ଟି ୟୁଜ୍ କରିବ କଥାରେ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଓକେ? ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆସ, ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ଏ ଟୋକି, ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛି, ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଖାଲି କରିଦେଇ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ୱେୟାର୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ ଏଲ୍ ଥିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସିଲିଂ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ମାସ୍ ଏମ୍ ଇଜ୍ ହଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍, ଦେଖ ତୁମେ ଗୋଟେ ତାରକୁ ଝୁଲେ ଯେମିତିକା, ତାର ଲେନ୍ଥ ଏଲ୍ ଥିଲା, ଏଠି ମାସ୍ ଏମ୍ଟେ ଲଗେଇଦେଲ, ତ ତାର ଯେଉଁ ମାସ୍ ଏମ୍ ଲଗେଇଦେଲ ତଳକୁ ଏମ୍ ଜି ଫୋର୍ସ ଲାଗିବ, ଫଳରେ ସେ ତାରଟା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ତ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମନେକର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଗଲା, ତ ତାର ଓରିଜିନାଲ ଲେନ୍ଥ ଏଲ୍କୁ ରିଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚର ତୁମେ କମେଇ ଦେଇଛ, ଟେମ୍ପରେଚର କମେଇଲେ ଲେନ୍ଥ ପୁଣି କମିଯିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର କମେଇଛ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଫୋର୍ସ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରିଲେସନ୍ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିବୁଝି ଏଇ ରିଲେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଲେଖିନି କେଡ଼ି, ଉପରଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ୟଙ୍ଗସ୍ ମଡ଼ୁଲସ୍ ୱାଇ, ଏଇଠୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଡାଟା ପିଲେ ସବୁ ଦେଇଛି, ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କର ସମାଧାନ ଆସିବ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି ପଛ ପେଜ୍ରେ, ଏଠି ୟଙ୍ଗସ୍ ମଡ଼ୁଲସ୍ ତୁମକୁ ଗିଭେନ୍ ଅଛି 10^11, ଆଲଫା ଗିଭେନ୍ ଅଛି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଲିନିୟର୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ 10^-5। ବାସ୍ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା, ଏଠି ଦେଖ ଆର୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ରେଡିଅସ୍ ଅଫ୍ ୱେୟାର୍ 1 mm, ତ ଆର୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଏରିଆ ପ୍ରସେକ୍ସନ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍, ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏତିକି ଆସିବ, ପାଇ 10^-6, ହେଲା। ଡେଲ୍ ଟି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, 40 ରୁ 30 ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 10, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବି 10 ମିଳିଗଲା। ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ 10 ପୁଟ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁକା ପାଖାପାଖି 10 ରହିଛି, 9.8 ତୁମେ 10 ପୁଟ୍ କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲି, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏର ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏର ଭ୍ୟାଲୁ, ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ, ଡେଲ୍ ଟିର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲି, ଆଉ ତଳେ କେତେ? ଜି ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ 10 ପୁଟ୍ କଲି। ଭଲକି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି 10 ଆଉ 10 କ୍ୟାନସେଲ୍, 10^-5 ମାଇନସ୍ ଇଏ କେତେ ହେବ? 10^-11, ଇଏ 10^11, ଏମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍, ବାକି ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? ପାଏ। ଆଉ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 3.14। ତ ନିୟରଲି ଭ୍ୟାଲୁ ନିୟରଲି ବି ପଚାରିଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆଉ ଯେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଙ୍ଗଦି ଅଛି ଟିକେ, ମୁଁ ଦେଖ ଲେଙ୍ଗଦି କରିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ ଲେଖିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି କି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ଫିର୍ ମୁଁ ଆପରେ କହିଦେଉଛି ସର୍ଟଲି। କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ର ମାସ୍ ଦେଇଛି 150 ଗ୍ରାମ୍, ଭେଲୋସିଟି 12 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ହେଲା କି
क्वेश्चन उपरटे कटिजी तो सी जो बॉल को हिट कला सी पुणी बैक कर वेलोसिटी 20 मीटर बाय सेकेंड ताले द फोर्स ऑफ ब्लो एक्ट्स फॉर 0.01 सेकेंड जो से बॉल को हिट कर समय लगे 0.01 तो एवरेज फोर्स एक्जर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल एवरेज फोर्स के लगे न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन लगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स बस ये कांसेप्ट देखो फर्स्ट कथा मास ग्राम रे अच्छी आउ सब प्राय एसआई यूनिट रही है तो फास्ट मुझे मास को ये किलोमीटर सरी आम के जी कन्वर्ट करदे 15 बै 150 बै 1000 हो शून शून कटिजी तो 15 बै 1000 आसो ओके अच्छा देख इनिशियल स्पीड के 12 मीटर पर सेकेंड है फाइनाल देखिए के बैक करी ना बैक कर माइनस सैन नौ किसी असुविधा ना तो माइनस नल चलो माइनस 20 मीटर बाय सेकेंड है टाइम ऑफ एक्शन के 0.01 सेकेंड फोर्स पचार चेंज इन मोमेंटम बाहर कर मोमेंटम फोन लगे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम फोन लगे कौन मास इंटू वेलोसिटी तो मुझे लिखिपरि ना चेंज इन मोमेंटम मैंने कौन फाइनाल मोमेंटम पीएफ माइनस पीआई इनिशियल मोमेंटम बाय टी इक्वल टू फोर्स लिखे कि ना तो फाइनाल मोमेंटमटा के मास इंटू वेलोसिटी मास तो देखिए फाइनाल वेलोसिटी के 20 क्वेश्चन देखिए फाइनाल वेलोसिटी के 20 तो पुट कल के आसो फाइनाल वेलोसिटी पुट कला तुमको आइनस 3 सिमिलरली इनिशियल मोमेंटम बाहर कल से 15 बाई 100 12 देखिए सल्व कले 1 पॉइंट आसो चेंज इन मोमेंटम पीएफ माइनस 3 ये हूँ माइनस 1.8 तले 0.01 कहीं टाइम भी लगे 0.01 सेकंड टाइम फैक्टर को नेग्लेक्ट करना क्वेश्चन मेंशन करके आपको जो सॉल्व कर तो मिल जाए देख सॉल्व कले कैसे आसो लेफ्ट पार्ट सॉल्व कर दबा ये माइनस 3.1 कैसे आसा एफ इक्वल टू एटा हो माइनस 4.8 बाय 0.01 दैट इज माइनस साइन को भी नेग्लेक्ट करुच्चे कहीं सैन देखा बेक करता बोले तो 48 बाय 10 हो तले तो 0.01 वन बै 100 दैट इज 48 बाय 10 इंटू 100 बाय 1 शून शून कैनसल दैट इज 480 न्यूटन हम यूनिट्रे रईट आंसर देख अपसन ए मर ठीक अच्छे 480 न्यूटन क्लीअर है जदि भी असुविधा रोज तुम जब लज मोशन पार्ट देख आसो ठीक है हाँ नेक्स्ट 45 ए मास ऑफ एम के जी सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ डब्ल्यू के जी वेट 40 सेकेंड व्हेयर इज इनिशियली द बॉडी इज बीइंग एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स द बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस एक्स मीटर इन टी सेकेंड एक्वायर्स वेलोसिटी वी देन एक्स इज देख पहले कांस्टेंट फोर्स जो के दी डब्ल्यू के जी वेट तार अर्थ कौन फोर्स हूँ डब्ल्यू जी जमती गोटे के जी पाई एम माने एम मास पाई वेटा एम जी डब्ल्यू पाई डब्ल्यू जी आम कह फोर्स के डब्ल्यू जी अच्छे फोर्स के फोर्स अच्छी एफ इक्वल टू डब्ल्यू जी है बाकी कही फोर्स देला टी सेकेंड रे तार इनिशियली बॉडी रेस्ट थिला है फोर्स दिया टी सेकेंड पर्यंत जो इनिशियली बॉडी रेस्ट थिला माने यू केते 0 टी सेकेंड पाई फोर्स लागिला अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस एक्स बॉडी केते डिस्टेंस जाइजी एक्स डिस्टेंस जाइजी एक्स मीटर जाइजी आ फाइनल वेलोसिटी केते गेन करछि वी तो फाइनल वेलोसिटी वी इनिशियल वेलोसिटी यू 0 डिस्टेंस हो जी एक्स फोर्स लागिछि एफ तो ये जगह रे मतलब इतनी डाटा को यूज करी कौन लिख पारी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आमको एक्स पचार लिखे कि ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पहले यू 0 तो 0 इंटू टी 0 टी एट और मरीगला बाकी हाफ एटी स्क्वायर एक्स इक्वल टू एटी स्क्वायर बाय 2 तो ये ए के मिल जाव 2x बाय टी स्क्वायर मिल जाव कि ना ए मिलगला 2x बाय टी स्क्वायर बस फोर्स फॉर्मूला कौन मास इंटू एक्सीलरेशन तो मास को एम तो एम था मास के जी देखे आमको एम के जी बुझा ट्राई करें बोले ए एक्सीलरेशन जगह के लिखी 2x बाय टी स्क्वायर कहीं डिराइव कर सारी ये 2x बाय टी स्क्वायर मत को एम जगह देख ये मत ये एक्स बाहर कर एक्स पचार ना देख भले कि एक्सटा कौन एक्सटा कौन
एफ सहित जाकि मल्टीप्लाई हो टी स्क्वायर से एफ टी स्क्वायर लिखिली आ टू एम जाकि डिवाइड हो बाय टू एम होगा। ओके नेक्स्ट कौन है देख एफ जगह मुझ पुट करदे डब्ल्यू जि तो डब्ल्यू जि टी स्क्वायर बाय टू एम हो राइट आंसर। ओके डब्ल्यू जि टी स्क्वायर बाय टू एम ये तो बुझीपर मैथमेटिक्स क्वेश्चन कौन डब्ल्यू जि टी स्क्वायर बाय टू एम हम ऑप्शन डी रे अच्छे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ 46 कही बॉन्ड एंगल मत कही पार्ट वन भी यार बॉन्ड एंगल बॉन्ड ए मॉलिक्यूलर वीडियो थी मुझे वीडियो देवी बस। नेक्स्ट 47 ठीक अच्छे देख 47 कही राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड होगी बी ए सी एल टू एल्युमिनियम सल्फेट ए एल टू एसओ फोर होल थ्री ये रिएक्शन कर दूसरी एल्युमिनियम क्लोराइड ए एल सी एल थ्री आउ प्रेसिपिटेड बेरियम सल्फेट है कि तो कौन रिएक्शन टा कौन सैटिस्फाई कर जी फॉर्मूला जानते बी ए सी एल टू मान प्रथम कथ हूँ ऑप्शन सी ऑप्शन डी कटी बोलते बी ए सी एल टू ठीक अच्छे इमेज रो क्लारिटी ये भल ना तुम चेक कर क्वेश्चन डेटा एल्युमिनियम क्लोराइड पचार एल्युमिनियम क्लोराइड मान अच्छा ये ऑप्शन ठीक अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छी एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड ये ऑप्शन ठीक है सब तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर एटा केवल फॉर्मूला दे सहज क्वेश्चन हाँ मतलब एटा सहज क्वेश्चन। नेक्स्ट हूँ 48 क्वेश्चन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए क्वेश्चन क्लैरिटी मो पाखे भल ना से क्वेश्चन एमती अच्छी तो मुझे हाइलाइट कर दे जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे गोटे मेटालिक स्फीयर अच्छी तार रेडियस ए देती है रेडियस ए आ गोटे मेटालिक सीट रखी रेडियस बी है एटा एटा बी कौच कि भितर पोअर कंडक्टिंग मटेरियल दिखाई एमती दिखाई पोअर कंडक्टिंग मटेरियल जार रेजिस्टिविटी हो रो रेजिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ये रेजिस्टेंसटा के तो आम पाखे रेजिस्टेंस बाहर करने रो पर गोटे फॉर्मूला अच्छे आर इक्वल टू रोएल बाय ए देखिए किसी रिलेशन लेंथ केमती एरिया केमती बस से भितर के रेजिस्टेंस या पचार ओके किसी ना देख बुझल क्वेश्चन अच्छा सॉल्यूशन पक आस अच्छा सॉल्यूशन देख ये तो रेजिस्टेंस सॉल्यूशन देख प्रथम छोट फिगर पर यहाँ एरिया ए नहीं बड़ पाई सॉरी मैंने रेडियस ए यहाँ रेडियस बी नहीं ओके तो सी कह मझे एम मेटेरियाल रखाई तापाई रेजिस्टेंस के कैलकुलेट करो देख प्रोसेस देख कौन हम ये जो मझे मुझे कट नहीं देख पारे यू तुम्हें ये कटा ये से मझे नहीं किसी नहीं तो ये रेडियस मन कर आर है टोटाल जो थिकनेसटा यहाँ के डी आर तो आर प्लस डी आर मुझे है ये पार्टा हूँ डी आर चिंता कर लगे आर प्लस डी आर तो आम कौन देखा करेन्ट सपोज मुव कर डी आर लेंथ डी आर थिकनेस देखिए मैंने यहाँ हूँ मन डी आर लेंथ तारटा को तुम्हें कमी तुम्हें गोटे पेन हो गए वेयर को चिंता करो ग्राउंड सहित तो सीधा करा कर शोदेन तौर शोन सीधा रखी करेन्ट एमती पास कर तो करेन्ट के थिकनेस दे पास कर डीआर थिकनेस दे पास कर लेंथ राइट हो डीआर तो जो आम फर्मूला था आर इक्वल टू रो एल बाय ए ठीक अच्छे आर इक्वल जो फर्मूला था कौन रो एल बाय ए मु रो को तो रो रखी ए एलटा हूँ डीआर पुट कली छोट लेंथ पर एरियाटा कौन जदि रेडियस तार आर है ये रेडियसटा आम आर नहीं एरियाटा के फोर पायर स्क्वायर तो एरिया जगह रे पुट कर डायरेक्टली है फोर पायर स्क्वायर देखो ये जो एरिया जगह रे पुट कर फोर पायर स्क्वायर सिंपल पिले एवं किसी ना केवल इंटीग्रेशन कर आमर दरकार क्या एटी भितर आम पोअर कंडक्टिंग मटेरियल मैंने पशे तो यहाँ के एटा बी तो लिमिट के लगे ए रु बी को लगे इंटीग्रेशन जस्ट कराई केवल तो रो तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट मटेरियल पाई फोर पाई तो कांस्टेंट डीआर बाय आर स्क्वायर रो इंटीग्रेशन होची माइनस वन बाय आर लिमिट ए रु बी को बस थरे आर जगह रे बी पुट हुए केमती इंटीग्रेशन जानते समस्त प्राय माइनस वन बाय बी थरे
अथरे माइनस माइनस वन बै ए तो ये होगा प्लस राइट हैंड साइड रो बाय फोर पाई वन ए माइनस वन बी बुझे ये यार सल्यूसन किसी असुविधा ए सल्यूसन पार्ट खाली जानता कमी डायरेक्ट क्वेश्चन भैल्यू वाला आसे तो सहज होता ये देना सेम भैल्यू जेहतु आमको ये किसी सल्यूसन करा पड़ा। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन तो राइट आंसर कौन थी एटा रो बाय फोर पाई वन ए माइनस वन बाय ऑप्शन बी हो राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 टू ग्लास बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाय ए नैरो ट्यूब एंड फिल्ड विथ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर 76 मीटर मर्क्यूरी वन ऑफ द बल्ब इज देन प्लेस्ड इन मेल्टिंग आइस एंड द अदर इज प्लेस्ड इन ए वाटर बाथ मेंटेन्ड 62 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ द कनेक्टिंग ट्यूब इज नेक्ली नेगेटिव न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर। मैं तुम क्वेश्चन बुझे दूँ पूरा भला भाव सॉल्यूशन तो किसी असुविधा ना। देख से कह टू ग्लास ऑफ बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम दुटा ग्लास अच्छी मुझे ए आउ बी मेंशन कर ए और बी आर वॉल्यूम भी इक्वल वॉल्यूम। ठीक अच्छे नैरो ट्यूब द्वारा कनेक्शन होती देखी देखी चलो एंड फील्ड विथ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताक भितर गैस अछि और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर केते 76 तो बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स से माने एमती इक्विलिब्रियम स्टेज रे अछि बुझौछ ना एटी पार्टिकल सब ठीक ठाक अछि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भेरी नाही टेम्परेचर भेरी सिने कम बेसी थान ता प्रेशर भी 76 सेंटीग्रेड अछि। ठीक अछि रखाइ छी मर्क्यूरी एतिकी तापर कहि छी एटा फर्स्ट केस रे वन ऑफ द बल्ब इज देन प्लेस्ड इन मेल्टिंग आइस ता भितर गोटे बल्ब को आइस रे नहीं रखा गला हैला आउ अदर बल्ब इज प्लेस्ड इन वाटर बाथ मेंटेन 62 डिग्री सेंटीग्रेड मनकर एटा को नहीं तुम नहीं आइस पाखे रख लो वॉल्यूम तो सामान थी तार छाड़ आउ बी को नहीं रख लो कौटी 62 डिग्री सेंटीग्रेड तो राइट साइड रे माने बी बल्ब रे कौन है ग्लास बल्ब रे कौन है माने टेम्परेचर जेहतु अधिक होगा तो सेठ पार्टिकल्स मैंने कौन है मूव करिया स्टार्ट करेंगे ताकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जीव तो टेम्परेचर बढ़े से पार्टिकल्स मैंने मूव करिया स्टार्ट करेंगे तो मूव कले कुआड को आसवे जो टेम्परेचर ए कम अच्छी बुझे तो याड को फ्लो हम पार्टिकल्स मानक फ्लो हाँ स्टार्ट करते पर्यटन जे पर्यटन दुईटा जाक बल्ब रे प्रेसर मेन्टेन होना इक्वाल प्रेसर मेन्टेन होनी से पर्यटन से मूव करेंगे बुझे तो यही पार्टिकल्स मूव करिए तो चिंता कर जब इनिशियल केस रे एटी एन मोल्स रो पार्टिकल थिबे तो ये डिवाइड हो जाए एटी एन मोल्स माने कौन एटी भी एन बाय टू पार्टिकल्स थिबे एटी एन बाय टू पार्टिकल्स इक्वल इक्वल प्रेशर मेंटेन करी थिबे वॉल्यूम समान थिला एटी एन बाय टू पार्टिकल्स थिबे एटी एन बाय टू पार्टिकल्स थिबे निहाती इक्वल अमाउंट थिबे कारण टेम्परेचर समान थिला एटी जदी टेम्परेचर भेटसी एटी पार्टिकल अधिक कौन थिबे एई जागो माने कर अधिक पार्टिकल पोलेशन सपोज एटा एन1 पार्टिकल आउ एटी एन2 पार्टिकल केते अछि मते जाना नाही एन वन एन टू पड़े पार्टिकल एमती भेरी कर टेम्परेचर जेहतु भेरी एवं क्वेश्चन बुझेगा तो सी कहूँ एवं जो आपको जो प्रेसरटा मेन्टेन हम जो प्रेसरटा मेन्टेन हम जो से प्रेसरटा के मेन्टेन करेंगे न्यू प्रेसरटा केट हम इनिशियल तो 76 थिला टेम्परेचर ठीक ठाक थिला एवं टेम्परेचर भेरी है तो प्रेसर भेरी हम से न्यू प्रेसरटा के ठीक अच्छे देखो क्वेश्चन आप्रोच देख मुझ फास्ट लिखी मन कर फास्ट केस रे इनिशियल केस रे एन मोल्स रो पार्टिकल थिले ठीक अच्छे तो तुम्हें पी भी इक्वल टू एन आर टी फोन लगाओ ए एपाई तो पी भी इक्वल टू जदि एन मोल थिले एटी थी एन बाय टू एटी भी थी एन बाय टू तेनाली ए बाहर कराए बी बाहर करेंगे फास्ट केस तुम गोटे बाहर करके लिखिदेजी तो पी भी इक्वाल टू एन बाय टू आर टीटा को टेम्परेचर केल्विन स्केल लिखी 0 डिग्री सेंटीग्रेडटा 273 केल्विन एटू मुझ एन बाय टू बाहर करी पी भी बाय आर 273 ठीक अच्छे एन बाय टू बाहर करी पी मत 76 गिवेन अच्छी भि को भी रखी मुझे टेम्परेचर आर सब रखिली सामान ये मुझे सल्यूसन फास्ट बाहर करदे सेकेंड केस जेहेतु किसी ये एन वन मोल्स होन टू मोल्स होने आउ एटी टेम्परेचर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273 केल्विन एटी 62 डिग्री सेंटीग्रेड 273 एड कले के 335 डिग्री केल्विन सरी है तो ये एन वन के सी पी भी ठीक अच्छे एन वन पी भी कल एन आर टी फर्मुला जो लगी एन वन इक्वल के पी भी बाय 273 आर आउ एन टू के पी भी बाय 335 आर बुझे लगे ना एन वन एन टू पाइल अच्छा एन वन प्लस एन टू मिसी के टोटाल मोल टोटल एन इक्वल टू एन वन प्लस एन टू अच्छा तो देख बोले कि ये आम एन पाई कि ना
एट देखो जदि एन बाय टू एति हेला एनटा केते हो टू जाए कि मल्टीप्लाई हो कि ना टू इंटू 76 भि बाई जहाँ भी हाँ कथा हम कि ना ये निहाती हम बुझे तो देख भल कि ये एन जगार मुझ पुट कली टू इंटु एक्सप्रेस जो फास्ट पाई नोट कर ठीक अच्छे बाकी आउ एन वन जगार पि भि बाई 273 आर पकेली आउ एन टू जगार पि भि बाई 335 बाई आर पकेली आपको समाधान कर पी बाहर कर तुम्हारा काम यहाँ जब सल्यूसन देखु कहीदे देखे दि एबे देखो एबे इक्वेशन तो मिल जाए ना ये तो देखो ये भि 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 कैनसल मरीगला आर 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 कैनसल बाकी कौन अच्छी आपको मल्टीप्लाई कल 152 बाई 273 क्लीयर नेक्स्ट भि तो जा आर भी जाइए तो ये पी बाई 273 ये पी बाई 335 ओके सरला तो पी कमन नहीं गले 1/273 1/335 एलसीएम के आसो 273 इंटू 335 ऊपर हो 335 टू 273 आपको सल्व कले आस देख ये 273 कैनसल तो 152 बै पी इंटु 608 आपको मिसाइल हम 608 बै 335 152 जो चार कोटी हो 608 ठीक अच्छे तेल आमको मिलला के 335/4 335/4 को डिवाइड करो एक्जाक्टली आस 83.75 सेंटीमीटर हम ऑफ मर्क्यूरी ठीक अच्छे तो के नुआ प्रेसर तेल के मिलूँ यहाँ जो आपको क्वेश्चन पचार मिलूँ 83.75 ऑप्शन ए रे अच्छे डिफिकल्ट ना कैलकुलेशन अच्छी बस बुझार सॉल्यूशन पूरा डिटेल्स कहीदे नेक्स्ट ठीक अच्छे ए सिलिंड्रिकल वेसल इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन गोटे सिलिंड्रिकल वेसल अच्छी जोटा वाटर 2 मीटर हाइट पर्यंत अच्छी हॉरिजॉन्टल प्लेन रखाई तार साइड वॉल ऑफ द वेसल हैज प्लग्ड ए सर्कुलर होल गोटे सर्कुलर होल रखाई जोटा कि से बटन को टच कर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे 0.4 टोटल मास ऑफ वाटर प्लस वेसल माने पानी और से वेसल मिसिक 100 kg से जो हॉलटा रखीच केते मिनिमम डायमीटर हो दरकार ताकि से वेसलटा बिगिन्स टू मूव ऑन द फ्लोर इफ द प्लग इज रिमूव बुझे पूरा पूरी से यहीपाई आमको दे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कहीं से पचार बिगिन्स टू मूव गोटे जिनस मूव करा स्टार्ट करके फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन सहित इक्वाल फ्रिक्शन भिडियो कहीदे ओके देख यहाँ हूँ फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर बाहर कि देखीद कौन एक्चुअली होभली किसी फिगर अच्छी जो भी वेसल अच्छी और पानी मिसिक अच्छी टोटाल मास के 100 kg ओके ठीक अच्छे ये गोटे हल कराई प्लग जो कौन हल कराई पूरा ग्राउंड को लगी बुझे टोटाल ग्राउंडटा टोटाल ग्राउंडटा बुझे ग्राउंड को लग गए हलटे अच्छी से हल जो तुम खोल दौ से पानी बाहर स्टार्ट हो सीटा जो वेलोसिटी बाहर यहाँ हूँ 2gh रूट ऑफ मन रख 2gh डिपेंड कर हाइट उपर ग्राविटी जी कांस्टेंट 2gh रूट ऑफ ठीक अच्छे ये वेलोसिटी बाहर ये वेलोसिटी बाहर कौन हम ये जो पानी ये वाल उपर फोर्स पकेबो तो कौन हम फोर्स पकेले सी सी क्वेश्चन आम कही जो तुम हॉलटा रखीच हॉल रो डायमीटर केते होबा दरकार ताकि से टोटल वेसलटा मूव करने को स्टार्ट कर क्वेश्चन क्वेश्चन से हॉल डायमीटर के दरकार ताकि से वेसल बिगिन्स टू मूव अच्छा पानी जो जीव ये फोर्स पकेबो जदि ये फोर्स मानते गोटे फोर्स लगुच तार अपोजिट डायरेक्शन रे भी रिएक्शन फोर्स रहिबो ठीक अच्छे मानते जिते बड़े आम ये कही पारे फ्रिक्शन देना तुम ये गोटे फोर्स मूव करुच फ्रिक्शन भी देसी फ्रिक्शन फोर्स आउ एप्लाइड फोर्स जदि इक्वाल हो गले माने लिमिटिंग फ्रिक्शन आउ एप्लाइड फोर्स ऑन द वेसल बुझ वाटर माने फोर्स बाय वाटर ऑन द वेसल जदि इक्वाल हो गला का सहित लिमिटिंग फ्रिक्शन सहित ताले से मूव करिवो बस एमती किसी रिलेशन पाइबा बुझेला क्वेश्चन कौन कहूँ तो से डायमीटर केते माने पानी जो दरकार ताकि माने से वेसलटा भी मूव करिवो या कहूँ तो वेसल मूव करे माने लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्रॉस कर जस्ट दरकार यह कथा हो तो फास्ट यहाँ बुझाऊँ से बुझे दुईटा वेयर कर सामान फर्मूला देख मुझे कौन करें जानसे फोर्स इक्वल टू मोमेंटम चेंज
मोमेंटम चेंज इक्वल टू फोर्स आम जानी तो मोमेंटम हूँ मास इंटु वेलोसिटी। देख मास इंटु वेलोसिटी ये वेलोसिटी भी अच्छी भी अच्छी किंतु मास जगह मुझे कौन लिखी देख भल कि रो इक्वल टू कौन मास बाय वॉल्यूम ताले मासटा के रो इंटु वॉल्यूम हो कि ना मास जगह लिखी वॉल्यूम इंटु रो फॉर्मूला डायरेक्ट देख कम फास्ट है ओके। अच्छा नेक्स्ट वॉल्यूम को कौन लिखे वॉल्यूम माने कौन एरिया इंटु डिस्टेंस आम कहे एरिया इंटु हाइट थिकनेस डिस्टेंस जहाँ भी। अच्छा तो डिस्टेंस एरिया कहार बाहर ये जो हॉलटा नहीं यार एरिया बाहर बुझे जो प्लग लगे तुम्हें तार एरिया बाहर कर ये मन करो गोटे सेकेंड में एति पानी से रिलीज करुच्ची तो ये कौन हो डिस्टेंस तो एरिया और डिस्टेंस मल्टीप्लाई कले वॉल्यूम हो ठीक अच्छे तो मुझे कौन कह सिंपली ये तार वॉल्यूम जगह एरिया लिखी से जो डिस्टेंसटा कवर कर यूनिट टाइम मन करो एस इक्वल टू वीटी टाइम टा वन पुट कर दियो तो जहाँ डिस्टेंस वेलोसिटी समान हो वेलोसिटी ये वी लिखी देती है ना डायरेक्टली वी लिखी आउ रो तो वॉल्यूम इंटु रो पाई हो गला एरिया इंटु वी इंटु रो आ बाहर गोटे वी थिला बुझे लगे ना समस्त तो कौन है रो एरिया आउ भी कौन होगा भी स्क्वायर देखी देखी चलो भी स्क्वायर हो गला एबे भी जदि एति रूट ओवर अच्छी भी स्क्वायर टा के स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो टू जी एच आसो तो ये मुझे भी स्क्वायर जगह पुट कर टू जी एच रो एरिया को लिखी ए तो ओवरऑल आसला के टू जी एच ए रो टू जी एच ए रो आसला कि नहीं समस्त यहाँ कौन यहाँ कौन पाइल देखे यहाँ आम पाऊे फोर्स ऑन वेसल कौन पाऊे ना फोर्स ऑन वेसल ओके से वेसल पर कौन फोर्स लगे ए फ्रिक्शन कर देखा देख ये पानी अच्छी तो तौक लगे एम जी फोर्स उपलब्ध लगे नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ओके तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या सहित सामान हो गला एम जी सहित अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स समान एन इक्वल टू एम जी नॉर्मल रिएक्शन है एम जी देख बोल कि लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एनआर ये एनआर जगह लिखिली एम जी म्यू को म्यू म्यू हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो क्वेश्चन में गिवन अच्छे ठीक अच्छे एवं फोर्स के बाहर अलरेडी फोर्स आम पाई सारे टू जी एच ए रो तो ये जी आउ जी कैनसल रहा केवल टू एच ए रो इक्वल टू म्यू एम जी आमको पचार डायमीटर तो सी के दरकार चलो आगे देख वैल्यू पुट कर दियो टू हाइट देखा टू एरिया को ए था रो इम्पोर्टाट रो हूँ डेनसीटी कह रो वाटर वाटर नहीं वाटर हूँ 10^3 हजार ठीक अच्छे के जी बाई मीटर क्यूब तो हजार पुट कर देली म्यू आम क्वेश्चन 0.4 देखिए नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन देखो ये 0.4 है ठीक अच्छे म्यू आउ अच्छा ये एम सॉरी नॉर्मल रिएक्शन है एम कथा कहे ये फोन देखुचे ना एम मास के मास 100 kg देता मिसे 100 kg बस सल्व कर ये एरिया आसो 1/100 क्लियर आगे सब सल्व तुम कम ये एरिया आसो कैसे 1/100 मुझे ये एरिया आसो 1/100 कितु आम मागिजी कौन आमको मागिजी हूँ डायमीटर तो देख टू आर इक्वल टू डी तो पायर स्क्वायर फॉर्मूला पकेबा आर टा के डी बाय टू तो पायर स्क्वायर है पाय डी स्क्वायर बाय फोर पाय डी स्क्वायर बाय फोर टाइम 1/100 है डी कैलकुलेट करो आंसर मार दियो आंसर आसो ठीक अच्छे ये पार्ट मुझे सॉल्व करी तुम आंसर निजे कर कहीं करना मुझे बुझे आपको बुझे पुणी अच्छे से ही फॉर्मूला जोटा तुम एत सब ड्रामा में तुमको कहली तुम यह मन रखिपार तुम सहजपाई मुझे क्वेश्चन बुझापी से फिगर ड्र करी ये हूँ फॉर्मूला डायमीटर पर डायरेक्ट टू म्यू एम डिवाइड बाय पाय रो एच रो रूट ओवर कौटा कौन थी नोटेशन देखी दियो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एम मास पाय पाय रो हूँ डेंसिटी एच हूँ हाइट बस किसी दरकार नहीं ये जब फॉर्मूला मन रखिल बहुत बढ़िया वैल्यू पुट कर दियो टू म्यू 0.4 एम 100 पाय को पाय था रो हूँ वाटर पाई हजार कहीं ना डेनसीटी हाइट दे टू बोले हाइट टू देखा देख हाइट टू हाँ मास 100 0.4 हूँ फ्रिक्शन ये बस ये डाटा मुझे क्लीयर फॉर्मूला इजी अच्छी बस
पुट कर समाधान कर 4/100 पाए आसला मुझे डिटेल समाधान कहूना ये तुम काम भी सल्व कर न आस देख सल्व तो अच्छे ये गोटे जिनस हो 1/√4 पाए आसो आप्रोक्सीमेट नहीं भल भल आपको तुम लिखिपार अरे पाएटा के 3.14 तार रुट ओवर के पखापाखि चार रुट ओवर 2 तो 3.1 पखापाखि 1. समथिंग आसो पुणी 1/ से कर तो यहाँ 0.56 डायरेक्टली मुझे पुट कर जगह 0.56 यहाँ 2/10 आपको सोल्व कर 11/2 आस नियर भैल्यू आर 11.2 ठीक अच्छे ये सी तो ऑप्शन 11.3 अच्छी तो ये राइट आंसर ओके तो ये क्वेश्चन थी ये सिफ्ट पुणी नेक्स्ट सिफ्ट देखे ओके थैंक यू।